बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 मैं आपको करवा रही हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, बाकी तमाम क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आपके पास। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस आर टू वैक्टर्स एंड एम इज इक्वल्स टू 3 एंड इज इक्वल्स टू 7। ये दीज आर स्केलर्स, ठीक है, आर स्केलर्स। प्रूव दैट एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। सेकेंड पार्ट इसका एम प्लस एन देन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस एम एन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। ये दोनों लॉज आपने यहाँ पर करने हैं प्रूव। अच्छा, ये लॉज क्यों है, मैं इन्हें लॉज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी है हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी है हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। बट यहाँ पर आपको लॉज जो है वो दोनों लिख कर दिए गए। अगर आपको ना लिख के दिए जाते और आपसे कह दिया जाता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रूफ कीजिए इसमें, जिसमें यहाँ पे जिस तरह लिख के दिया गया क्वेश्चन 4 में, तो उसी तरह से आपने दोनों लॉज को याद रखते हुए फिर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, ठीक है। इसलिए लॉज याद रखिएगा, मे बी लिखे हुए आ सकते हैं, मे बी लिखे हुए नहीं आए, तो आपको लॉज याद होने जो वो चाहिए। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ये तो लॉ आपसे कंप्लीट कीजिए, ये साइड दे दें और ये साइड आपको जो है वो खुद से लिखनी हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में आपको लॉज तो लिख कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम पहले वन बाय वन दोनों में से एक एक को करेंगे प्रूफ। पार्ट वन है हमारे पास एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल है एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, ठीक है। ये हमें करना है प्रूफ, तो यहाँ पे हम देंगे प्रूफ की हेडिंग। अब कोई भी एक साइड आप पहले ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स को ही आपने करना है प्रूफ। तो यहाँ पर है आपके पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम पहले ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमारे पास वेक्टर ए है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी है आपके पास -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप और एम है आपके पास 3। तो आप पुट करेंगे 3 और यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को करेंगे ऐड। तो ये आपके पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप प्लस, बीच में प्लस की साइन है तो किसी साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ब्रैकेट यूज़ कर लें, -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप -5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। बीच में प्लस की साइन है तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपके पास साइन वही जो थी वो एज इट इज़ आ गई। नाउ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 3i प्लस का माइनस का 5i, माइनस के 5i में से 3i माइनस किए, माइनस का 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप माइनस का 4k कैप तो ओनली प्लस का k कैप, ठीक है, आ गया। अब आप जो है वो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर है आपके पास 3 तो माइनस 3 2 6i कैप प्लस 3 4 12j कैप प्लस 3 1 3k कैप, ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड है आपके पास एम को आपने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से, फिर एम को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी से, देन करना है ऐड। एम है 3, वेक्टर ए है आपके पास 3i कैप, दोबारा ही नहीं थी मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली थी,
जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस वेक्टर है थ्री, सॉरी स्केलर है थ्री और वेक्टर है माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप। मल्टीप्लाई कर लें पहले, थ्री थ्री ज़ा नाइन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन के कैप प्लस माइनस माइनस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन आई कैप थ्री थ्री ज़ा नाइन जे कैप प्लस माइनस माइनस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व के कैप। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करें, एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 9, 15 में से 9 को माइनस किया माइनस का 6 आई कैप 3 जे कैप प्लस का 9 जे कैप प्लस का ये हो गया 12 जे कैप प्लस का 15 के कैप माइनस का 12 के कैप, ये हो गया आपके पास यहाँ से प्लस का 3 के कैप। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, यही आपको यहाँ पर करना था प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इक्वल है, तो ये हो गया आपके पास प्रूफ्ड। तो हम यहाँ देंगे हैंस प्रूफ्ड। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है ये वाला। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट, पार्ट टू है आपके पास इसका, एम प्लस एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस एन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। यहाँ पर भी आपके पास दो साइड्स हैं, कोई भी एक साइड आप पहले लिख लें प्रूफ करने के लिए, लेफ्ट ले लें या फिर राइट ले लें। प्रूफ की एडिंग देंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए, एम है आपके पास थ्री, एन है आपके पास सेवन और वेक्टर ए की ज़रूरत है हमें सिर्फ इसमें, तो वेक्टर ए है आपके पास थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप। नाउ एम प्लस एन, तो एम है थ्री एन है सेवन और वेक्टर ए है आपके पास थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप। थ्री प्लस फाइव होगा आपके पास टेन, बाकी ए वेक्टर एज इट इज़ आ गया अभी। अब आप स्केलर को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, स्केलर्स को आपने पहले ऐड किया देन आप मल्टीप्लाई, टेन थ्री ज़ा थर्टी आई कैप प्लस टेन जे कैप प्लस टेन फाइव ज़ा 50 के कैप। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड के स्केलर्स को ऐड कीजिए देन फिर वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपके पास, आपने एम को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना है फिर एन को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना है देन फिर करना है ऐड। एम वेक्टर है सॉरी एम स्केलर है आपके पास थ्री, वेक्टर ए है आपके पास थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस एन वे स्केलर है आपके पास सेवन और ए वेक्टर है आपके पास थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप। सिंप्लीफाई करें, थ्री थ्री ज़ा नाइन आई कैप प्लस थ्री वन ज़ा थ्री जे कैप प्लस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन के कैप प्लस सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव के कैप। नाउ आपने अब करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट, नाइन में आपने नाइन आई कैप में ट्वेंटी वन आई कैप ऐड किया तो ये हो गया थर्टी का आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस का सेवन जे कैप प्लस का टेन जे कैप प्लस का 15 के कैप प्लस का 35 के कैप तो प्लस का 50 के कैप। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है आपके पास, जो कि आपको प्रूफ करने के लिए भी कहा गया था यही कि भाई प्रूफ करें कि दो स्केलर्स को ऐड करें फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या फिर दोनों स्केलर्स को अलग अलग वेक्टर से पहले
मल्टीप्लाई कर लें और फिर दोनों को करें ऐड, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आए, तो ये हो गया आपके पास सिंपली प्रूफ्ड। ये था आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.4 का इंट्रो आपको ज़रूर करवाऊंगी, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ। अल्लाह हाफिज़।